नहाकर तुम और भी रंगीन हो गई हो। रंगीन तो नहीं, वनस्पत मेरे प्लांट्स, बारिश में नहाकर देखिए मेरी टोप्यारी, खूबसूरत मार्बल पाथोस, ये सब बारिश में नहाकर खूबसूरत ग्रीन हो गए हैं। तो ऐसा क्या है बारिश के पानी में कि इसको पड़ते ही सब प्लांट्स खुशी से झूम उठते हैं और ज़्यादा ग्रीन दिखते हैं। तो रेन वाटर में नाइट्रेट होता है जो कि नाइट्रोजन का एक सोर्स है और वो प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है उनको ग्रीन करने में। तो देखिए मेरे प्लांट्स सब कितने ग्रीन लग रहे हैं और ये मैक्सिकन पिटोनियास खिल गए हैं और ये देखिए मेरे एक्सोरास, वाह बारिश में किस तरह खिले हैं ये। तो जैसे ही बारिश आती है ये सब प्लांट्स हरे हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं क्योंकि इनको न्यूट्रिशन मिल जाता है। तो उस समय आपको भी सावधानियां रखनी होती हैं कुछ, जैसे बहुत ज़्यादा पानी, ये विंका के प्लांट्स हैं तो जो देसी वाले हैं उनको तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हाइब्रिड वाले हैं वो एकदम से गलने लग जाते हैं। तो आप भी अपने प्लांट्स का, पॉट्स का ड्रेनेज चेक करें, ज़्यादा पानी भर गया है तो उसको आप उल्टा करके निकाल दें। और ये देखिए खूबसूरत बेल, ये शायद इसके बीज नीचे पड़े होंगे इस पॉट में, किस तरह धरती का ये देखिए सीना फाड़ के निकल रहे हैं बाहर, ये देखिए। तो इस तरह अगर भी आपके भी कुछ प्लांट्स हैं, सीड्स हैं, तो उनको थोड़ी हेल्प करिए। वैसे तो अपने आप ही निकल आते हैं नेचर में, वो बने ही ट्रम्पेट वाइन है ये। और देखें किन प्लांट्स में बहुत ज़्यादा पानी भर गया है और जैसे इसको एक सपोर्ट की ज़रूरत है तो उनको सपोर्ट दीजिए। और ये देखिए इनमें शायद ड्रेनेज अच्छी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा पानी भर गया है, तो उन गमलों को आप इस तरह से पानी निकाल दें, नहीं तो उसमें खड़े पानी में प्लांट्स रॉट हो जाते हैं। ये देखिए मैं आपको बता रही थी जो हाइब्रिड विंका है उसमें वो बारिश के पानी में किस तरह इस तरह वो गलनी शुरू हो जाती है। तो जितना जितना पार्ट गल गया आप उसको निकालें और गमले उल्टे कर दें। और ये देखें और खूबसूरत फ्लावर्स देखिए, कितना खूबसूरत नज़ारा है सब फूलों का। और इस टाइम पे जो तुलसी माता है वो सब इसके प्लांट्स जो हैं धीरे धीरे नीचे निकलने शुरू हो जाते हैं। और ये देखिए सब नीचे प्लांट्स बारिश के साथ शुरू हो जाते हैं निकलने। तो आप इनकी ड्रेनेज चेक करें और जितने भी प्लांट्स अंदर हो उनको आप निकाल के बाहर करें। और ये इस तरह से विंका ज़्यादा पानी भरने से इस तरह विल्ट हो जाती है, तो इसको एक स्टिक लगा के जोड़ूंगी मैं। ये देखिए ये ज़रूरत से ज़्यादा जब प्लांट्स बड़े हो जाते हैं तो इस तरह झुक जाते हैं। और ये मेरे और खूबसूरत प्लांट्स, ये देखिए मस्टेरिया देखिए, ये सर्दियों में बिल्कुल ख़त्म हो गया था और ये सब रिवाइव कर गए हैं। और ये आ गई पाथोस और ये फिलोडेंड्रॉन कितने बड़े बड़े हैं। और ये मेरे
जेट, पाथोस, शफलेरा और ये और खूबसूरत प्लांट्स। तो आप भी अपने प्लांट्स को निकाल के बाहर इस तरह से बारिश में रखें। और ये देखिए खूबसूरत मेरा, कितनी खूबसूरती से इसकी ग्रोथ चली है ये। और ये मेरे छोटे छोटे सिंगोनियम की कलेक्शन, और ये किस तरह हरा भरा मेरा लग रहा है पूरा गार्डन। तो आप भी बारिश के पानी का सदुपयोग करें। थैंक यू व्यूअर्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।